ये वही किसान है जिन्होंने मोदी जी को बिठाया है इस देश के ऊपर, यही उतारने का भी काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज वो चीज़ पैदा कर दिया देश के अंदर, धर्मवाद का जहर और जातिवाद का जो जहर अगर पूरे देश के अंदर 70 सालों में घोलने का काम किया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। देखिए कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने अपने हर जिले में अपने कार्यालय खोल लिए, लेकिन हर जिले में अपनी जमीनें खरीद के कार्यालय खोले हर बात की, लेकिन उन्होंने ना रोजगार दिया, ना व्यापार दिया, ना शिक्षा दी। आज यदि आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, और सारे लोग जो खड़े हैं ये कहीं ना कहीं आज मजदूरी करते हैं, किसान हैं, तो ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यदि किसी का बच्चा आज बीटेक कर रहा है, यदि किसी का बच्चा आज कहीं जाता है, उसको दस लाख रुपए उनको चाहिए, लेकिन ये किसान जो है आज आत्महत्या करने के पर मजबूर है। और बड़े दुख की बात ये है कि इस जहाँ ये धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ भी कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सरकार है वो पिघलने का नाम नहीं ले रही है। कहाँ से बच्चे को पढ़ाएं, कहाँ से रोजी रोटी पैदा करें, कहाँ से, बहुत दिक्कत इस समय आ रही है। और आज एक मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है, और किसान त्रस्त है, तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, प्राइवेटेशन सारा हो गया, तो किसानों के साथ, मजदूर के साथ, जो सब लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत अन्याय हो रहा है। प्रदीप जी स्वागत है पहले तो आपका। जी SM न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जो आप इस मुहिम में और किसानों के साथ यहाँ पर आकर खड़े हैं उसके लिए SM न्यूज का भी बहुत बहुत साधुवाद। प्रदीप जी ये आंदोलन तो किसानों का है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? जी हम इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं या हमारे दादा हैं वो सब भी किसान हैं, और हमने भी किसानी की है खेत में, और जो हम अन्न खाते हैं वो किसानों का उगाया हुआ अन्न खाते हैं। चाहे इस देश में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश में हों, या इस देश में प्रधानमंत्री बैठे हों, या उनके कैबिनेट में मंत्री बैठे हों, वो सब अगर खाते हैं तो अन्न इन देश के किसानों का उगाया हुआ खाते हैं। इसलिए उनको भी खड़ा हो जाना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उसमें मंत्री हैं, जो सरकार के लोग हैं, उनको भी यहाँ समर्थन करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं या महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ जो किसान हैं किसानों के साथ पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हर स्टेट से यहाँ लोग इतनी भरी सर्दी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और उसी अन्न को वो खा रहे हैं जो ये किसान जो उगा के अपने घर पे पैदा करके आया है और इनके घर तक भेजा है। तो इनको शर्म और गैरत बिल्कुल भी नहीं है, और जबकि इनको शर्म गैरत आनी चाहिए। बार बार इन्होंने एक देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, जिस दिन से सरकार बनी है, आपने कहा हम क्यों आए, हमारे अंदर एक दर्द है, हमारे अंदर एक टीस है, क्योंकि जिस दिन से एक सरकार ये बनी है उस दिन से आपने देखा होगा इन्होंने ना तो कोई एजुकेशन का काम किया, ना इन्होंने कोई, आप कोई भी मुझे ये बता दे कि इन्होंने इतनी भर्ती वहाँ पर निकाली, बच्चों को कोई रोज़गार दिया हो। इन्होंने जिस दिन से बैठे हैं, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, इनको सिर्फ जो दिखाई दिए हैं वो सिर्फ जो ऊपर बैठे हुए जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो इसलिए दिखाई दिए क्योंकि जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनको जो हेलीकॉप्टर मुहैया कराए, इनको जो हवाई जहाज मुहैया कराए, इन अडानी और अंबानी, इन लोगों ने कराए। प्रदीप जी आप गलत बात कह रहे हैं, मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैं किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हूँ। जी आप जो ये कह रहे हैं कि किसानों से कंधा मिला के खड़ा हूँ, तो उनके कम से कम हम तब मान लेते कि उनका एक मंत्री, उनका कोई विधायक, उनका कोई सांसद इन किसानों के साथ यहाँ खड़ा होकर आ जाता, क्योंकि जो ये किसान थे इन्होंने उनको वोट किया था, इनके साथ वोट ही नहीं किया, सपोर्ट किया था, और इन्होंने ना जाने क्या क्या सुनी थी और उनको सत्ता पे बिठाने का काम किया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मोदी जी कहते हैं ना मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, ये वही किसान है जिन्होंने मोदी जी को बिठाया है इस देश के ऊपर, यही उतारने का भी काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज वो चीज पैदा कर दिया देश के अंदर, धर्मवाद का जहर और जातिवाद का जो जहर अगर पूरे देश के अंदर 70 सालों में घोलने का काम किया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, वो तो कह रहे हैं अब सारी जातियां एक होती जा रही हैं, मेल भाव बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है देश के अंदर। जी आप मेल भाव बढ़ रहा है या जो आप कह रहे हो जो प्रेम भाव बढ़ रहा है, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, इसी देश के अंदर शाहीन बाग में जब NRC का मुद्दा हुआ था तो वहाँ पर कई महीने तक महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग वहाँ पर बैठे थे, तो उस समय
क्या किया, उस समय हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। वहाँ पे जा जा के गोलियाँ तक चलवाई गई उस धरने प्रदर्शन में। वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर कत्लेआम भी हुआ, वहाँ पर हिंदू मुसलमान करा दिया। तो कैसे मान लें कि मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर सामंजस्य है, ये अगर नफरत की अगर बीज बोया है तो मोदी सरकार ने यहाँ पर बोया है, नहीं तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान के घर में खाता है, सिख ईसाई के घर में खाता है, सब तीज त्यौहार आपस में मिलकर बनाते हैं। आप यहाँ देखिए, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना सिख है, यहाँ सब किसान हैं। और किसानों का, और आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो हमारा सिख समुदाय है, उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में वो यहाँ पर साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर कितना अनुशासन है, और यहाँ पर अलग से टेंट लगे हुए हैं, ना कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, ना कोई यहाँ पर कोई कहीं रुकावट कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, कभी NRC के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाता है, कभी किसानों को लड़ाया जाता है, और कभी दलितों को लड़ाया जाता है। तो आप ये देखिए कि देश के अंदर यहाँ पे कोई ना तो संवैधानिक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कोई संवैधानिक नियम लागू नहीं है, यहाँ पे कोई संवैधानिक कोई अपनी बात नहीं रख सकता, और जो भी बात रखता है तो इस देश के अंदर चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आप देखिए उसे जेल में डाला जा रहा है। अगर आप अपनी न्याय की बात करेंगे, हक और अधिकार की बात करेंगे, तो उसको जेल में डालने का ये सरकार काम कर रही है। तो ये बड़ा अफसोस का विषय है कि जो लोग हम यहाँ जो गंगा जमुना की तहजीब थी, जो यहाँ लोग मिलके रहते थे, उसमें आज ऐसा नफरत पैदा कर दी है कि किसानों को भी आपस में बांट दिया है और हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये हो रहा है देश के अंदर, बहुत गलत हो रहा है। आप बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, आपने कहा कि किसान नहीं है, और एक ही जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान नहीं बैठे हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जो किसान यूनियन के लोग हैं, जो यहाँ पर आदमी आए हुए हैं, आम आदमी आए हुए हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति है वो किसान का बेटा है, अगर वो आज MP MLA है, यदि वो मंत्री है, वो भी कहीं कहीं किसान के परिवार से निकल के गए हैं, और उनके परिवार में भी चाहे चाचा है या ताऊ है, वहाँ पर किसान है, और जितने लोग आ रहे हैं वो किसानों की पीड़ा लेकर आ रहे हैं, वो सब किसान हैं। वो जो लोग भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। क्या किया मैंने? कहा कि अगर किसी को रोज़गार मिला हो, किसी को शिक्षा मिली हो, शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, और ये लगा लीजिए जैसा भी बता रहे थे, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अगर कोई और सबसे बड़ी बात देखिए कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने अपने हर जिले में अपने कार्यालय खोल लिए, लेकिन हर जिले में अपनी ज़मीनें खरीद के कार्यालय खोले, हर बात की, लेकिन उन्होंने ना रोज़गार दिया, ना व्यापार दिया, ना शिक्षा दी। आज यदि आप भी यहाँ खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, और सारे लोग जो खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आज मजदूरी करते हैं, किसान हैं, तो ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यदि किसी का बच्चा आज BTEC कर रहा है, यदि किसी का बच्चा आज कहीं जाता है, उसको 1 लाख मतलब 10-10 लाख रुपये उनको चाहिए, लेकिन ये किसान जो है आज आत्महत्या करने के पर मजबूर है। और बड़े दुख की बात ये है कि इस जहाँ ये धरना प्रदर्शन हुआ, यहाँ भी कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सरकार है वो पिघलने का नाम नहीं ले रही है। कहाँ से बच्चे को पढ़ाएं, कहाँ से रोजी रोटी पैदा करें, कहाँ से, बहुत दिक्कत इस समय आ रही है। और आज एक मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रस्त है, और किसान त्रस्त है, तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा, प्राइवेटाइजेशन सारा हो गया, तो किसानों के साथ, मजदूर के साथ, जो सब लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन देश तो कहीं ना कहीं डिजिटल युग पे बनता जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? देश कहाँ बनता जा रहा है? जो किसान ये बिल बनाया, उसको जो है किसानों को ये कह दिया कि आपकी सब्जी का जो दाम है वो अडानी अंबानी तय करेंगे, वो जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो आपका तय करेंगे, तो किसान के पास क्या बच गया? वो तो जब सरकार कहेगी तब वो तय कर देंगे, जब चाहेंगे उठा देंगे, जब चाहे उसका स्तर नीचे गिरा देंगे। तो जब दाम इस तरह से करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो हक और अधिकार है वो छीनने का काम किया जा रहा है। तो कहाँ इस देश के अंदर, मैं तो कहता हूं, जब इस देश के अंदर तुम्हें अंडाड़ी अंबानी को ही सब कुछ देना, तो अपनी गद्दी छोड़कर उन्हें ही दे दो ना, बिल्कुल सही, उनको दे दो। इस देश में सरकार की कहां जरूरत रह गई? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इस देश में सरकार की जरूरत कहां रह गई? जब सरकार का मतलब होता है कि सरकार नियम बनाए, सरकार कानून बनाए, आप सरकार कहां नियम कानून बना रही है? आप तो ये कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी कानून बनाएंगे, जब अडानी और अंबानी बिजली का मूल्य तय करेंगे, जब किसानों की फसलों का मूल्य तय करेंगे, तो आप ये बताइए
ये कि किसान कहाँ जाएगा, ये तो सिर्फ एक एक ऐसी चाल है, ये ऐसा एक चक्रव्यूह है कि जब हम चाहेंगे उसका रेट कम करवा देंगे, और जब रेट कम होगा तो किसान तराई तराई मचाएगा, और फिर हम उसको बढ़वा देंगे, तो हमारी ही सरकार चलती रहेगी। हम ही ऐसी व्यवस्थाएँ लागू कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र नाम की चीज़ तो संवैधानिक सब इन्होंने ख़त्म कर दी है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको जो है हमारे देश को बेचा जा रहा है, और देश बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिए, सारे जो यहाँ के एयरपोर्ट बेच दिए, बिजली बेच दी, और क्या नाम है, रेलवे को बेचने का काम किया जा रहा है। बीएसएनएल के आप देखिए टावर किस तरह के आते हैं, बीएसएनएल के लोगों की जो कर्मचारी थे, इतने सबसे ज़्यादा कर्मचारी थे, उसमें जो कर्मचारी है उनकी जो तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह जो है मेरे भी कई संपर्क में है, उनकी जो तनख्वाह उनको नहीं मिल रही, कई महीनों से उनके बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, 10-10 महीने हो गए सर, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही बीएसएनएल के कर्मचारियों की। तो आप देखिए बीएसएनएल को इन्होंने डंप करके, जबकि सरकार जो चाहती है वो कर लेती है, जब सरकार ने चाहा तो एनआरसी कानून बनाया, जब सरकार ने चाहा किसानों के विरोध में कानून बनाया, जब इन्होंने जो चाहा वो इन्होंने बना लिया। तो आप बताइए इन्होंने बीएसएनएल कैसे गर्त में दे दिया, और जो अंबानी के वो हैं जियो का खुद मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं, तो आप ये बताइए सारा उसको ठेका दे दिया। तो आप इस या तो ये कहें, ये लोग ये कह दें कि हम जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, अगर वो कहें तो उन्हें बनाना है, वो बार बार कहते हैं डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया बनाना, तो एक काम करो ना, आप ही रह जाओ डिजिटल इंडिया में, सबको भगा दो, ऐसी व्यवस्था ये कर रहे हैं, सबको भगाने का ये काम कर रहे हैं। तो इस देश में सरकारी कर्मचारी परेशान है, सरकारी कर्मचारी इसलिए नहीं बोल पाता कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी छीन ली जाएगी, किसान जब बोलता है तो उसको भी दबा दिया जाता है। ये तो, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना ही भी दबा लें, कितना ही भी कुछ कर लें, ये जो है आप ये लगा लीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सब लोग यहाँ एक हैं। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।